लोग बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे यार, तो मोहब्बत की दुकान में 300 करोड़ रुपया निकला है तो ये तो हंसी वाली ही बात होगी। कहाँ कौन सा पूंजी लगता है? पहला राज्य झारखंड होगा जहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलने में 300 करोड़ रुपया लगता है। कि चाबुक चलाने नहीं आएगा तो फिर शेर नाचेगा कैसे? तो एक दिन के लिए नायक फिल्म आप लोग को छोड़नी चाहिए, मुझे जाँच वाला टीम में दे दें। कहाँ क्वेश्चन लीक हुआ है, कहाँ क्या बिका है, कहाँ क्या लेन देन हुआ है, वो सारा हम एक सप्ताह के अंदर निकाल देंगे। आपके लिए मैं कह रहा हूँ, तो अबुआ अगर आवास है तो अबुआ नौकरी भी होना चाहिए, क्योंकि बबुआ का इस राज्य से उतना मतलब नहीं है। जय रामदा को क्यों सपोर्ट करें? मैं एज ए फिलोसफर में जय रामदा को इसलिए सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि हमारा बात बीडीओ साहब नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं आपका बात? आप सही से चाबुक नहीं, आप एक वैसा राजा नहीं है कि जो आपका बात सुने। हम ये बात बोलना जरूर चाहेंगे आप लोगों के बीच में, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा समझाए हैं कि एक पढ़े लिखे दुश्मन के साथ जरूर बैठ जाना, लेकिन एक जाहिल नासमझ लोगों के साथ में तख्त पे मत बैठना या सिंहासन पे मत बैठना। वही हाल है जयराम दा को। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके विजन को देखिए। एक पीएचडी करने वाला लड़का जिनकी 6 आंख होती है, उन्होंने किताबों को पलटा और झारखंड के इतिहास को पढ़ा, और अभी प्रेजेंट में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। और 2 आंख जो फ्यूचर को देख रहा है, झारखंड को हमें कहां ले जाना है। एक फिलोसफर का 6 आंख होता है। इस प्रकार ये नहीं कि मुख्यमंत्री हमेशा टालते रहेंगे कि नहीं हम 1.5 लाख नौकरी देंगे, लड़के इंतजार करेंगे। मेरा कहना यह है, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि अबुआ आवास, मैं आपके लिए मैं कह रहा हूं, तो अबुआ अगर आवास है तो अबुआ नौकरी भी होना चाहिए, क्योंकि बबुआ का इस राज्य से उतना मतलब नहीं है। अबुआ का होगा ये घपलाबाजी नहीं चलेगा। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि झारखंड में एक बड़ा सनसनीखेज न्यूज आया है कि एक विधायक के घर में 300 करोड़ रुपया निकला है। वो राज्यसभा सांसद 3 टर्म के राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ रुपया निकला है। हर विधायक और सांसद के पास, हमारे यहाँ भी कुछ विधायक और कुछ सांसद हैं, वो बोलते हैं हर वोट को हम खरीद लेंगे। वो खरीदेंगे कहाँ से? खरीदेंगे आपके पैसे से खरीदेंगे। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ध्यान देने की जरूरत है। जामताड़ा में सिर्फ साइबर क्राइम नहीं हो रहा है, वहां इनकम टैक्स वाले को जाने की जरूरत है। जो विधायक के सपना देख रहा है हम मतों को खरीद लेंगे, लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, तो वहां पे भी जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे पिता पुत्र मिल के 35 साल कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो समझिए कितना धन वो लोग रखे होंगे कि एक एक वोटर को खरीदने के लिए सोच रहे हैं। आखिरी बात मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं कि जमीर बेच के अमीर बनने की जरूरत नहीं है। जितना भी झारखंड की लोकल पार्टियां हैं वो अपने जमीर को बेचे हैं नेशनल पार्टी के सामने में, और अमीर बनने का कोशिश किया और बन रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी आगे के नेता हो, जयराम दा की तरह जो गरीबों के लिए खड़ा हो और उनके हित के लिए काम करे। जैसे जेबी केसेस को बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि जेबी केसेस में सिर्फ एक कौम के व्यक्ति है इसमें सम्मिलित है, उस पर आप क्या बोलिएगा? क्योंकि आप देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं और हमारे जितने भी खातियानी भाई हैं, सभी को मैं खतियानी जोहार बोलना चाहता हूं। वैसी कोई बात है भी नहीं और इसका कोई दलील भी नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकता है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की ये है, क्योंकि आज जो भी जेबी केसेस पूरे झारखंड लेवल में किए हैं विस्थापित मजदूर के लिए, या कोई ऐसे मजदूर जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको मुआवजा दिलाने के लिए, तो हम कभी तो जेबी केसेस के लोग तो कभी ये जाति और धर्म तो नहीं देखें। उसमें हमारे आदिवासी भाई भी हैं, उसमें मूल निवासी भी हैं, उसमें से वो लोग हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे इतना बड़ा परिवर्तन जेबी केसेस कर सकती है, उतना बड़ा बिना पद में रहते हुए वो करके दिखाएं जेबी केसेस के लोग। साथ ही साथ आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो नेता हैं टाइगर जयराम महतो जी हैं, उनके एक निर्णय से हमारे 450 लोगों का रोजगार मिला है। जो वेदांता कंपनी किसी के कहने पे झुकती नहीं है, वो जनता के आगे झुक गई और बिल्कुल इतना बोली कि हम आपके इतना लोगों को नौकरी दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं जेबी केसेस की पावर दिख रहा है, ये कारनामा दिख रहा है, और वो जनता के लिए दिख रहा है, और वही जनता
जब जरूरत पड़ेगी तो जेबी केसेस के लिए भी खड़ा होगा, उसमें कोई जाति धर्म की बात ही नहीं है। इसमें हंसी आता है कि चाबुक चलाने नहीं आएगा तो फिर शेर नाचेगा कैसे। तो एक दिन के लिए नायक फिल्म आप लोग देखे होंगे, तो एक दिन के लिए नहीं तो 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए टाइगर जयराम महतो को, उसके बाद देख लेते हैं। उसमें भी मुझे स्पेशली, हमको कोई पद नहीं चाहिए, मुझे जाँच वाला टीम में दे दे, कहाँ क्वेश्चन लीक हुआ है, कहाँ क्या बिका है, कहाँ क्या लेन देन हुआ है, वो सारा हम 1 सप्ताह के अंदर निकाल के दिखा देंगे। बहुत सारी समस्या है झारखंड में, क्या 1 सप्ताह में सॉल्व हो जाएगी सारी? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, पूरे समस्या की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन बिक रहा है, नोट कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको एक टीम ऐसी बनानी पड़ेगी ना, जो खांटी झारखंडी का टीम बनाना पड़ेगा। उसमें भी जो भी ये क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनको क्योंकि मिट्टी का दर्द वो मिट्टी के लोग ही नहीं समझेंगे। अब जाँच कमेटी वाले भी बिहार यूपी के रहेंगे तो क्लीन चिट ही देगा। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, झारखंड के ऐसे भी लोग हैं जो विस्थापित का दंश झेल रहे हैं और किसी के पास से 300-400 करोड़ निकल रहे हैं, क्या बोलिए? ये तो सोचने वाली बात है। जो लोग बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे यार, तो मोहब्बत की दुकान में 300 करोड़ रुपया निकल रहा है, तो ये तो हंसी वाली ही बात होगी। कहाँ कौन सा पूंजी लगता है? पहला राज्य झारखंड होगा जहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलने में 300 करोड़ रुपया लग रहा है, तो हंसी वाली बात होगी। ये नोट जारी है, अरे अभी बहुत कुछ होगा। आप तो इतना तो समझिए ना, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्लान फेल हुआ, ये गठबंधन की सरकार का पैसा होगा, हम पूरा गारंटी के साथ। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, वो पैसा अगर गरीबों में बांट दिया जाता तो कैसा होता, आपका उसमें क्या प्रतिक्रिया? गरीबों का संविधान है ना, संविधान अगर बोलता है गरीब के लिए तो गरीब के लिए ही पैसा है। वो कौन सा पैसा है? वो गरीबों का खून चूसा हुआ पैसा है, शराब पिला के हमारे वोट को। कुछ प्लान तो ऐसा हुआ होगा कि शराब पिलाएंगे, नोट बांटेंगे, लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, झारखंड को बर्बाद करेंगे, वही सब चीज चल रहा है, वही करने का कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।